दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बेन मून फार्मा के जैविक प्रोडक्ट के बारे में। अभी हमारा सीजन आने वाला है धान का, तो किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं या बाकी फसलों में कैसा इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 प्रोडक्ट हैं और खुशी की बात है ये सारे हमारे 100% ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि हमें मिला हुआ है इन प्रोडक्ट के लिए इको सर्टिफिकेट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम इस्तेमाल करें तो दो तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो 100% ऑर्गेनिक करना चाहते हैं और जो उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं रासायनिक खादों के साथ। दोनों कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा सबसे पहले इस्तेमाल होगा वो है रक्षक। रक्षक ऐसा है मातृभूमि रक्षक, जिसे हम जो जमीन के अंदर बहुत सारे ये होते नुकसानदायक चीज़ें होती हैं जो फसलों के नीचे से नुकसान पहुंचाते हैं, पौधों को काट देते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो फंगस लग जाते हैं फसलों में जिससे नुकसान होता है उनसे ये बचाव करता है। तो रक्षक को क्या करना है, इसको 1 एकड़ में अगर प्रयोग करना है तो हमारा 1 cc आता है 1 एकड़ के लिए। उसके लिए कम से कम 50 लीटर का ड्रम लीजिए, उसमें 50 लीटर पानी डालिए और 1 से 1.5 लीटर मट्ठा यानी कि छाछ और 1 से 1.5 किलो गुड़ डाल देना है। उसके बाद 1 हफ्ते तक उसको ड्रम में रहने देना है और डेली कोशिश करना है 1 से 2 बार उसको डंडे से जरूर हिला देना है, बराबर से मिक्स कर देना है। ये 7 दिन के बाद आपका घोल तैयार हो जाता है। 7 दिन बाद जब आप बुवाई करने जा रहे हैं सेम डे या फिर 1 दिन पहले, आप क्या कीजिए, रक्षक में मूल वरदान मिला दीजिए। मूल वरदान हमारा क्या है, माइकोरेजिया, जो जड़ें होती हैं उनको 7 गुना से लेकर 10 गुना तक मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपकी फसल बहुत शानदार होती है। तो दोनों को मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपका फसल बहुत अच्छा होगा, फंगस से बचाएगा और जड़ों में वृद्धि करेगा। दूसरा रास्ता है, अगर आपके पास गोबर का खाद यानी देसी खाद, तो उसको इकट्ठा कर लीजिए। 1 एकड़ में लगभग 4 ट्राली रखता है गोबर की खाद, या आपके पास जो भी हो उसको इकट्ठा करके एक साथ में उसमें छोटे छोटे गड्ढे बना दीजिए और जो पानी का घोल आपने बनाया हुआ है रक्षक का उसको डाल दीजिए और 10 दिन उसको ऐसे रहने दीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते रहे ताकि नमी बनी रहे। फिर आपको देखेंगे उसमें जो नुकसानदायक कीड़े होंगे उसको ख़त्म कर देता है। फिर ले जाके आप खेतों में डालेंगे तो आपके फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कई बार गोबर के खाद की वजह से भी कीड़े लग जाते हैं और फसल ख़राब हो जाती है। तो दोनों रास्ते आपके पास हैं, आप जैसे चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है मातृभूमि पोषक। जब हमें पहली सिंचाई करनी होती है लगभग 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद हमें दूसरी सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तब क्या करना है, जैसे आपने रक्षक का घोल बनाया था वैसे ही मातृभूमि पोषक का भी घोल बनाना है। उसको भी आपको 7 दिन रखना है, 1 ड्रम लेना है 50 लीटर का, वही 50 लीटर पानी, 1 से 1.5 लीटर मट्ठा और 1 से 1.5 किलो गुड़ उसमें डाल देना है और उसको भी वैसे हिलाते रहना है। 7 दिन बाद घोल तैयार हो जाता है। घोल तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, जब सिंचाई करना हो उसके 1 दिन पहले या फिर सेम डे, आप उसको जब जाएंगे पोषक लेकर के तो उसमें भूमि वरदान को भी मिला देना है। दोनों बराबर मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। ध्यान रखना है मातृभूमि पोषक का भी 20% जो घोल है उसको रख लीजिए, 80% में ही भूमि वरदान मिलाइए, ताकि वो 20% अगले महीने के लिए फिर आप घोल तैयार कर लेंगे 50 लीटर पानी में मिला के और वही गुड़ डाल देंगे, वही मट्ठा डाल देंगे, जिससे आपको दोबारा मातृभूमि पोषक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 1 महीना पुनः आप प्रयोग कर सकते हैं 1 महीने के बाद। और फिर 1 महीने बाद जब प्रयोग करेंगे तो फिर वही प्रक्रिया करना है, 20% बचा लेना है, 80% का इस्तेमाल करना है और फिर वही प्रक्रिया करके पानी मिला देना है, गुड़ मिला देना है, मट्ठा मिला देना है और फिर 1 महीने बाद आपका घोल तैयार हो जाएगा। मतलब एक ही बाटल में आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका फसल बहुत शानदार होगा, बार बार इस प्रोडक्ट को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या किया, घोल तैयार होने के बाद मातृभूमि पोषक और भूमि वरदान का स्प्रे कर दिया, फिर जाके पानी जब लगाएंगे तो आप देखेंगे पानी लगने के बाद पौधों का ग्रोथ बहुत तेज होता है, बहुत ही शानदार होता है। इसका इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा उत्पादन इससे हासिल कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा फसल वरदान। फसल वरदान ये हमारा फोलियर होता है और ये टॉनिक है। टॉनिक से क्या फ़ायदा होगा, खास करके जब 40-45 दिन का कोई भी फसल हो जाता है, अगर एक स्प्रे कर देंगे तो फसलों का ग्रोथ बढ़ जाता है, पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब ये प्रकाश होता है तो इसका ये ज़्यादा तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिससे इनका ग्रोथ अच्छे तरीके से
होता है। फिर एक स्प्रे कर देना चाहिए, खास करके जब फूल आने का टाइम हो जाए, वो कोई भी फसल हो, चाहे सब्जी हो, अनाज हो, फल हो, कोई भी किसी भी तरीके का फसल हो, फूल आने के टाइम पर ज़रूर से ज़रूर इसका स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे फूल ज़्यादा आते हैं, झड़ते कम हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। और जो फल होता है वो बहुत सॉलिड होता है और बहुत चिकनापन होता है उसके अंदर, बहुत खूबसूरत फल होता है। तो इसका स्प्रे फसल वर्धन का दो बार कर देना चाहिए, अगर दो बार मुमकिन नहीं है तो एक बार फूल आते समय जरूर करना चाहिए। वैसे भी हमारा एक बाटल एक एकड़ के लिए दो बार स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत ही शानदार है। इसके बाद हमारा किसान गन है, जहाँ पे कीड़े लगते हैं, ये हर प्रकार के कीड़ों पर काम करता है। किसी भी तरीके कीड़े लग रहे हैं आप इसका प्रयोग कीजिए, आपको उससे निजात मिलेगा। इसकी खासियत ये रहती है कि आप ये जब फसल में कीड़े लगने वाले हों उसके पहले स्प्रे कर दीजिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखिए, आपने देखा हो बैंगन की खेती में पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत किया जाता है, लेकिन इसके एक चीज़ आप देखेंगे, जब फसल में कीड़े लग जाते हैं तो चाहे कोराजीन डालिए, चाहे कुछ भी डालिए या कितना भी खतरनाक जहर डालिए, वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, क्योंकि जो बैगन होता है उसके अंदर कीड़े बाहर से अंदर नहीं घुसते, वो फल के अंदर होते हैं। क्योंकि जब फूल होता है, फूल फल में कन्वर्ट होने लगता है, उसी समय उसके अंडे जो होते हैं उन कीड़ों के फूल के अंदर होते हैं, जब वो फल बनता है तो ऑटोमेटिक नीचे चले जाते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि जब भी ये फूल आने का टाइम हो फसलों में, सब्जियों में, उसी समय किसान गन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े लगने की संभावना है, हर 8 दिन 10 दिन पे स्प्रे करते रहिए, ताकि जो नए फूल आ रहे हैं वो आपके सुरक्षित रहें, ताकि आपकी फसल सुरक्षित हो। बाकी जहाँ पे कीड़े लग गए हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारा जैसे धान वगैरह है तो इसमें 1 से 2 बार प्रयोग कर देना है अपना, जब फिर कीड़े लगने वाले उसके पहले, बाली निकलने के पहले, और एक थोड़ा सा 15-20 दिन के अंतराल पर फिर से, तो एक भी कीड़े आपके खेत में नहीं रहेंगे। खास बात है ये भी 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास 6 प्रोडक्ट हैं, अगर इनका हम सही प्रयोग करें तो बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बहुत शानदार उत्पादन ले सकते हैं, और इस देश से रासायनिक खाद को हम दूर कर सकते हैं, जो बीमारियों की जड़ है, जो जिसकी वजह से आज औसत आयु कम होती जा रही है, हमारी धरती जो है आज बंजर होती जा रही है, तो अपनी धरती माँ को बंजर होने से बचा सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती को हम खुद करेंगे, इसको बढ़ावा देंगे, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हमारी जिंदगी लंबी होगी, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके साथ लूंगा विदा। जय हिंद, जय बेनून, जय जय बेनून।